तो हेलो गाइस, आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो आज हम आए हैं बहुत सुंदर सी जगह, देख सकते हैं हम ट्रैकिंग करते आए हैं पूरी जगह पे, पूरा ऐसे रास्ते में ट्रैक करते हुए आए हैं। और हम आए हैं दरअसल नैनीताल, वो भी टिफिन टॉप जाते हुए। तो आपको पूरा ट्रैक दिखाएंगे शुरू से, और हम घर से निकले पूरा शुरू से शुरुआत करेंगे। तो देखना है तो हमारे साथ बने रहना इस ब्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हेम भाई ने पेट्रोल भरा दिया और हेम और मैं सबसे पहले पहुँच गए, और बाकी के लोग तो धीरे आ रहे हैं। सोचो अभी हम ड्यूक लेके आए तो हम कहाँ पहुँच गए होते। और हम आए हैं अपनी सुपर में। सुपर नहीं है ब्रो, ये है डेविड कूपर 2000। थोड़ा वेट करते करते आ ही गए हैं सब लोग, ये लोग खड़े हैं तो हम रुके हैं थोड़ा चाय पकौड़ी खाने के लिए सब लोग। ये कोहरा ही कोहरा चारों तरफ, और ये आगे से जा रहे साथ वाले, आगे बैठा है पूरा। तो इस कोहरे में काफी ठंडा लग रहा है। और देखिए मस्ती मजा करते हुए लोग। नैनीताल में आजकल कोई भीड़ नहीं है, आप अपने फैमिली के साथ आराम से घूमने आ सकते हैं। और अगर इधर आए तो हाफ कपड़ों में मत आए, मतलब एक अपने साथ जैकेट भी रख लीजिए, आपकी फट के फ्लावर होने वाली है। इसको देखो कैसे चला रहा है, धूम कोर का हीरो है। तो हम पहुंच चुके हैं नैनी झील के किनारे। मछलियों का देखिए तांत, ओ व्हाइट मछली, ये व्हाइट मछली बस किस्मत वालों को दिखती है, और वो हमें और आप भी बन गए हमारे साथ, व्यूअर्स के साथ साथ। अरे पानी की बोतल तैर रही है वाले। तो यहाँ पर बारिश होने लग गई है, मौसम बिगड़ चुका है हमारे आते ही, पहले नहीं बिगड़ा हुआ था। क्यों चीज ऐसी है जहाँ जाते हैं बिगाड़ी देते हैं। सारी उम्र में जो है इसका मतलब ये जाली लड़की है, गजब बेइज्जती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों बारिश होने लग गई है और हम भीग चुके हैं आधे पूरे, और हेमो और मैं निकल चुके हैं अभी को। तो हम दोनों चल पड़े आगे की तरफ बरसात में, अब देखते हैं कितना भीगते हैं वहाँ पहुँचने तक। भीगी गए, भीगी गया भाई पूरा। तो मैं भी तो भीग गया हूँ बाबा। लगा दी हमने यहाँ पर बाइक, इसको डालना है, इसको डालना है। नहीं मैंने कौन पहुँच गया मोटिया मार्केट। क्या बता, नहीं ना देवी मंदिर, और यहीं पर है गुरुद्वारा बगल में। तो बारिश में कुछ यू है यहाँ का आलम। तो हेमू भाई पूरे भीग गए, ठंडा लग रहा है आपको? नहीं तो पागल है क्यों आप, वो होगा मर्द के शरीर में अग्नि। तो हम आए टॉयलेट, हम टॉयलेट के अंदर आए नहीं है पर कपड़े नहीं छोड़ना है। देखो ऐसे टॉयलेट कभी देखे हैं जिंदगी? तो ये किचन लिया है, नैनीताल में आके वापस जा रहे हैं, बारिश हो ही रही है। पर ये रहे सोनम के मोमोज। तो यहाँ पर हो रहा है फुटबॉल मैच, लास्ट ट्रेनिंग। तो गाइस अभी प्लान बना है सबका कि टिफिन टॉप जा रहे हैं, तो ये रास्ता टिफिन टॉप पे यहीं से जा रहे हैं ऊपर को पैदल। तो गाइस अब यहाँ टिकट भी लगने लग गया 50 रुपये पर बंदा, ले लिए हैं अब चल पड़े हम आगे को। तो हम इतने टॉप में आ गए, आपको दिखाता हूँ ये देखिए, और बादल आ रहे हैं वहाँ पर, और ये पूरा गोल्फ ग्राउंड देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो ये रास्ते से हम चढ़ते चढ़ते हैं, अभी यहीं से जाना है ऊपर को। तो हम पहुंच गए हैं ऐसी जगह पे, यहाँ पे कैंप करा था हमको, यहाँ पे कैंप करा हमने। देखिए कितना प्यारा जगह है ये, देखिए। खुद आगे टारगेट में गिरी, देखिए हरे भरे जंगलों के बीच से। नेशनल ज्योग्राफी पे पार्टिसिपेट किया है, वही से आई हूं। खत्म। तो बहुत बड़ा, मेरी रिसर्च के अनुसार मेरे को ये पता चला कि यहाँ पे बहुत साल पहले एक पिंड का गोला आके धड़म से गिरा। सारी उम्र में जो कर। तो गाइस हमें वहाँ पे चढ़ते हुए जाना है ऊपर, तो इसको चैलेंज दिया यहाँ से चढ़ने का, चढ़ के दिखाओ आप, आपका एक्सेप्ट है क्या? बिना हाथ लगे लगाया हूँ, बिना हाथ लगाया यहाँ पे मैं थोड़ा दौड़ पाती ना, 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 बिना हाथ लगाए आना है, बिना हाथ ना ना, हेलमेट हाथ में रखे रहे। मैं भी तो आया हूँ, फोन मैं भी आया हूँ, उसके क्या मतलब? ये बस ये करना है, ऐसे करना है टिका के, तो मैं भी आया था। हाँ तो गाइस वो लोग वहाँ से चले गए, मैं थोड़ा एडवेंचर करने के चक्कर में इस जगह से जा रहा हूँ जंगलों से। तो अकेले सुनसान जंगल में
ट्रैकिंग करने का मज़ा ही कुछ और है। तो मेरे साथ बने रहे, आप लोग हो मेरे साथ, मैं अकेला हूँ नहीं। तो चल ही रहा हूँ पर को भी अकेले, तो अब समझ में नहीं आ रहा कहाँ को जाऊँ, इतने रास्ते बटे हुए हैं। तो मुझे ये रास्ता देखा, यहाँ पर पानी की बोतल पड़ी पता नहीं किसकी, तो इसी रास्ते से चलता हूँ आगे को। पूरा सुनसान जंगल, एक आदमी भी नहीं दिख रहा चिड़िया के अलावा। ये रहा मैं, अकेले हूँ देख लो, कोई नहीं है। और इसी रास्ते से चलते हुए जाना है तो ख़तरनाक जंगल से। देखिए आपको पूरा एडवेंचर वाला फील देखने के लिए आया हूँ मैं इस तरफ से। तो गाइस मैं भयंकर जंगल में आ गया, मुझे लगता है मैं गलत रास्ते आ गया क्योंकि आगे रास्ता है ही नहीं। तो फिर से मुड़ते हैं अबाउट टर्न लेके इन झाड़ियों के बीच से। ये दिख रहा है मुझे एक रास्ता, यहीं से चलता हूँ उधर को, ये वाले रास्ते से। और आगे से झाड़ियाँ आ रही हैं इनको हटाते हुए हेलमेट से। तो ये रास्ता दिख गया मेरे को एक, ये वाला जाता हूँ। तो झाड़ियों के बीच से जाऊँगा, कटीले तार भी लगे हुए हैं। सबको पार करते हुए मैं अकेले आ चुका हूँ यहाँ इस रोड में। वो फाइनली ये शायद वापस जाने का रास्ता है, और वो रहा टिफिन टॉप। दोस्त लोग ऊपर पहुँच चुके आगे, चलिए आपको मैं उनके पास ले चलता हूँ। तो मैं यहाँ से आया हूँ उल्टा, और वो लोग यहाँ से आए हैं उल्टा। वहाँ पे जाना है बस, जहाँ पे लोग खड़े हैं और ऊपर। और इसके चढ़ने के बाद इतना अच्छा नज़ारा आता है नैनीताल का। तो मैं चढ़ रहा हूँ, अब आपको नज़ारा दिखाता हूँ फाइनली, इतनी चढ़ाई के बाद सुंदर सा नज़ारा। और नीचे गहराई चेक करिए, हाँ वहीं आ रहा हूँ। और यहीं से गुफा है, इसको पार करते हुए बस पार जाऊँगा। और यहाँ से अब नीचे जाना है, अब कैसे जाया जाए। एक हाथ में हेलमेट है, एक में मोबाइल है। तो यहाँ पे जंप मार के आया नीचे ऊपर से। तो ये है व्यू पॉइंट, मुझे पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए बादल आ चुके हैं नीचे पूरे, और ढक लिया गया पूरे नैनीताल को, आधे नैनीताल को, आधे की बारी है। काफी पीसफुल है ना। अगर आपको शहर के ट्रैफिक और चीजों से बचना है, जाओ मैगी लेकर गया, आराम से आओ सुबह से। बहुत प्यारा नजारा है, बरसातों में तो और प्यारा हो जाता है। गाइस ये देखो फॉग आ चुका है, दिखा दिया मैंने उनको, दिखा दिया। और इससे बढ़िया लोकेशन वहाँ पे, वहाँ पे देखो, बस सेफ्टी नहीं है उधर, थोड़ा ध्यान व्यान रखना। गर्लफ्रेंड फ्रेंड के साथ आ सको तो बहुत अच्छा टाइम आप स्पेंड कर सकते हो, बट वो ये कि होनी चाहिए। यहाँ पर आ गए टॉप में, और हमारे साथ एक डॉगी भी आया है, मतलब काला वाला, वो खाने वाला नहीं है वाला। ये देखिए नजारा, और नीचे देखिए क्या है, खाई। ओह माय गॉड डॉगी, नीचे जा रहा है डॉगी भाई, मैंने बचा लिया इसको। ये सुगली सुगली इतना प्यारा है। तो डॉगी फिर से नीचे जा रहा है, इसको मैं बचाऊंगा दोबारा। नीचे मत जा, नीचे कुछ नहीं है, नीचे मत जा, गया फसा। मस्ती चढ़ के पिछवाड़े में लात मार के नीचे फेंक दूंगा। देखिए डर भी नहीं रहा बिल्कुल। तो इसने मेरे जूते गंदे कर दिए, एम के कपड़े गंदे कर दिए, और अपने हेलमेट और इसका कपड़ा पीछे से, और मेरा हेलमेट। पर बहुत प्यारा है बोल रहे हैं। तो गाइस करके बहुत थक चुके हैं, और इसलिए हमने कर दिया मैगी ऑर्डर। तो टेस्ट कैसा हो रहा है मैगी का करके बताओ। अच्छा हो रहा है ना, दीपू दा जैसा नहीं है, दीपू दा जैसा नहीं इनका है। आगे हमारे मैगी भी साइड में रख दीजिए यहाँ पे, और टेस्ट करते हैं फिर चलते हैं घर की ओर। तो हेलमेट ले लेते हैं और चलते हैं नीचे की ओर। हो गए हम सब रेडी, तो गाइस हम नीचे को चल पड़े हैं। मौसम भी बड़ा सुहाना हो रहा है। तो गाइस पहाड़ों में ऐसी जगह पे कमाड़ी वाला नहीं आता, तो ये ऐसे आते हैं। तो चल पड़े नैनीताल से, नैनीताल को करते बाय। तो आप सब जाने लग गए अपने अपने घर को, करते बाय बाय। तो गाइस आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ और फिट हूँ, तभी तो हम ट्रैकिंग पे गए थे इतने फिट होके, और हम घर पहुँच गए। और यहाँ पे हाय गाइस, अब होप ही कर सकते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम अपना ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। चलो नया दोस्तों, चलो फिर बाय बाय कर दो। अरे